फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। अभी जो है मेरी सांस भी बहुत फूल रही है क्योंकि मैं जरा थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अभी भागते भागते आई। अभी जो है मौसम का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। यहाँ पे जो मामा की गाड़ी खड़ी है पीछे, वो आज अभी यही है, नहीं तो कई बार जो है यहाँ से जा चुके होते थे और कई बार जो है मेरा वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी अपने पोता पोती को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो मैं भी कई बार उनके साथ ऊपर रोड तक चली जाती हूँ। तो आज वो अभी नहीं आए हैं तो मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। मैं पहुँच गई हूँ भाई की शॉप के पास जो इस वक्त बंद है। आजकल ये शॉप जो है थोड़ा लेट खुलते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, तो जब थोड़ी धूप खिल जाएगी तब जो है ये शॉप खुल जाएगी। पहले तो नहीं थी, पहले हमने अगर दुकान जाना होता था तो ऊपर NH तक जाना पड़ता था। तो अभी जो है गांव के भाई ने यहाँ पे रास्ते में दुकान खोल दी है, तो अब हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये मुझे मामा की गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, लगता है वो आ चुके हैं। तो आज मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ, तो आज मैं पैदल ही पहुँचूँगी NH पे। NH के पास लगभग पहुँच ही गई हूँ, तो वहाँ दिख रहा है हमारा गांव, उधर हमारा नौशा गांव। तो यहाँ देखिए अब जो है ऊपर वाली पहाड़ियों पे धूप भी आ गई है। बस आने में अभी है थोड़ा समय, तो तब तक जो है न्यूज़पेपर देख लेते हैं। मैं आ गई हूँ अपने काम से और मैं जा रही हूँ घर। आज जो है मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप लगी है इस टाइम, तो घर चलते हैं। मुझे जो है अभी यहाँ पे JCB की आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ जो है NH के थोड़ा सा नीचे जो है एक ग्राउंड बन रहा था, तो वहाँ पे जला था डंगे का काम, तो डंगे का काम तो पूरा हो गया है। लगता है आज वहाँ पे जो मिट्टी रखी थी ग्राउंड में उसको प्लेन कर रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे लगा है काम ग्राउंड का, तो इस टाइम जो है यहाँ पे बहुत धूल है। हमारे यहाँ पे पहाड़ में जो है पशुओं को पानी पिलाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है, तो यहाँ पे लोगों के घर में भी है ये। तो जब दिन में हम पशुओं को छोड़ते हैं तो यहीं पे पानी पीते हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी लकड़ी लेके आ रहे हैं। चल पड़ते हैं अपनी रोज की रूटीन। अभी मैं जा रही हूँ गोबर का कीड़ा लेके। आज मैं आपको कराती हूँ पॉली हाउस की सैर। चलिए गोबर तो फेंक लिया, अभी मैं आपको पॉली हाउस दिखाती हूँ। तो पॉली हाउस में पानी डालने के लिए यहाँ पे एक टैंक भी बना रखा है जो इस टाइम फुल है पानी से। तो अंदर जो भी सब्जियाँ लगाई है उनको पानी देने के लिए जो है यहाँ से पाइप भी लगा रखी है अंदर। गई हूँ पॉली हाउस के अंदर, तो ये देखिए यहाँ है, यहाँ पे मिर्ची लगा रखी है, तो यहाँ पे अभी हरी हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। वहाँ पे टमाटर भी लगे हैं, ये अमरूद का पेड़ भी लगा रखा है यहाँ पे, और लीची का पेड़ है वहाँ पे, पपीते का पेड़ है यहाँ पे, एक पपीता भी लगा हुआ है यहाँ पे, मूली भी लगाई थी, टमाटर भी हैं। अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ पे फिर से नई फसल भी बीजनी है, तो मम्मी जरा थोड़ी बिजी हैं। ये यहाँ पे ग्रीन टी का पौधा। खैर तो हो गई, अब चलते हैं घर और करते हैं डिनर की तैयारी। यहाँ पे मेरे पीछे आपको
खजरी का पेड़ भी दिख रहा है जिसपे ये फ्रूट लगे हैं, इसको हम बोलते हैं खजरू। तो गर्मियों में ये पक जाते हैं, तो हम तो इनको बहुत खाते थे, अभी भी खाते हैं, हम स्कूल भी ले जाया करते थे। लेकिन ये जो है थोड़े गर्म होते हैं तो इनको खा के नींद भी बहुत आती है। तो अभी ये गर्मियों में पकेंगे, तो अभी चलते हैं घर की तरफ और करते हैं डिनर की तैयारी। मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है ये है रीठे का पेड़, ये हमारे आंगन के साथ ही है। तो अभी तो है इसकी पत्तियां जो है झड़ चुकी हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं। तो ये इसकी पत्तियां जब झड़ती हैं तो यहाँ पे जो है दिन के 4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो अभी ये जो पत्तियां हैं मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके रख दी हैं, तो इनको हम जो क्या करते हैं गौशाला में बिछा देते हैं ताकि जो पशु हैं उनको ठंड न लगे। तो अभी मैं इकट्ठा करके इसको अंदर बिछा देती हूँ। जो भी आ रहा है ब्रुजो, ब्रुजो उधर देखो, उधर उधर ब्रुजो, नो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं लगभग सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि हिमाचल।